इस वर्ष 3 दिन का 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। बाबा का यह साई बाबा का यह 8वां वार्षिक उत्सव है। इस बार शुरुआत 18 तारीख से होना है, जिसमें बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत यहाँ कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। जिस दिन कन्या का पूजन होगा, साथ में एक भोज भी होगा कुमारी कन्या का। अगले दिन 19 जनवरी को बाबा का शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो मंदिर से होकर राजवंशी नगर हनुमान मंदिर से होते हुए राजा बाजार जगदेव पथ होते हुए पुनः वापस मंदिर में आएगा। उसके बाद बाबा का आरती और भजन भक्तों के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। 20 तारीख को विशाल भंडारा होगा, जिसमें लाखों संख्या हजारों संख्या में भक्त उपस्थित होंगे। शिवजी के तर्ज पर ये साई सत्यनारायण पूजा यहाँ स्पेशल मनाया जाता है, जो 3 दिन सुबह के समय में एक शिफ्ट में होगी, जिसमें 25 की संख्या में बैठने का आता है कैपेसिटी। उसमें क्या होता है इस पूजा में, के अंदर क्या रहता है? साई जी का लेते हुए साई सत्यनारायण पूजा किया जाता है। साई सत्यनारायण पूजा साई जी का उसमें पूजा करते हुए उसमें किया जाता है। अष्टम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनुषा पूरण देवी साईं सुपरफा मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें प्रथम दिन बाबा की काकड़ आरती से पूजन शुरू होगी। उसके बाद साईं सत्यनारायण पूजन, जो कि शिरडी के तर्ज पर किया जाएगा, और उसके बाद माता जी का विशेष पूजन और कुंवारी कन्या का पूजन एवं प्रसाद खिलाया जाएगा। 19 तारीख को बाबा का पुनः प्रातःकालीन विशेष पूजन से शुरू होगी, और उसके बाद मध्यान्ह आरती के बाद भव्य शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकाली जाएगी, जो मंदिर से राजवंशी नगर महावीर मंदिर में जाकर बाबा मिलेंगे। मिलने के पश्चात पुनः शिव मंदिर तक शोभा यात्रा जाएगी, और जगदेव पथ से वापस मंदिर परिसर में बाबा आएंगे। पुनः पूजा पाठ करके बाबा को अंदर लाया जाएगा, और 20 तारीख को प्रातःकालीन सुबह से बाबा का विशेष पूजन साई सत्यनारायण पूजन आदि किया जाएगा। उसके बाद मध्यान्ह आरती के बाद विशाल भंडारा का आयोजन रखा गया है, जिसमें हजारों हजार श्रद्धालु बाबा के प्रसाद को ग्रहण करेंगे, और कुछ प्रसाद देने की भी व्यवस्था है, जो अपने घर के लिए प्रसाद लेकर जाएंगे। और 18 तारीख को संध्या में भजन का भी आयोजन रखा गया है।